नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको कॉमन बाथरूम में आउटर फिटिंग करना सिखाऊंगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरे पीछे ये कॉमन बाथरूम दिखाई दे रहा है, इसको मैं थोड़ा दूर से आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बाथरूम का एंट्रेंस वाला एरिया है। उसके बाद ये देखिए ये टोटल कॉमन बाथरूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए गीजर का पॉइंट है, यहाँ पे शावर है और यहाँ पे शावर को ऑपरेट करने के लिए कंसील लगाया गया है जो कि शावर को ऑन ऑफ कर सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 टैप दिया गया है। ये जो है दोस्तों मोटर का है, ये कोल्ड वाटर है, ये हॉट वाटर है। इसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट दिया गया है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर। तो दोस्तों इसका CPVC पाइप फिटिंग का वीडियो मिलेगा ऊपर आई टैब में, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों इस बाथरूम में टाइल्स जो है कम्प्लीट हो गया है और टाइल्स लगने के बाद अब यहाँ पर हम आउटर फिट करेंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए इस एरिया में ये देखिए यहाँ पे ओडिशा पैन लगा है, इंडियन सादा सीट। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लश का पॉइंट है और यहाँ पे देखिए एक टैप का पॉइंट दिया गया है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए, ये वाला। तो अभी दोस्तों यहाँ पे क्लाइंट का डिमांड है कि यहाँ पे दोनों चाहिए मुझे, एक तो हेल्थ फ्यूचर चाहिए यानी कि हैंड जेट स्प्रे और दूसरा टब में पानी भरने के लिए। तो दोस्तों आप लोग जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब चलिए मैं सिखाता हूँ कि कैसे आउटर फिटिंग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी का 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स में दोस्तों हेल्थ फ्यूसेट है और एक बॉक्स में दोस्तों 2-way एंगल कॉक है। यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉइंट को देने के लिए टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए, उसके बाद हेल्थ फ्यूसेट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे 2-way एंगल कॉक लगाना होगा। तो दोस्तों अब इसको मैं वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों कैसा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रेविटी का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ग्रेविटी का जो सामान है दोस्तों काफ़ी बढ़िया होता है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए तो इसका जो है दोस्तों ये पाइप मिल जाता है, पाइप दोस्तों फ्लेक्सिबल वाला है और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जिप लगाया गया है, जिप को इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए ये कनेक्शन पाइप इस तरह से निकल गया और काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए किसी भी एंगल में इसको आप मोड़ सकते हैं, ये देखिए इसको इस तरह से मैं लपेट ले रहा हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा है। प्राइस दोस्तों इसका कितना है अभी आगे वीडियो में बताऊंगा मैं, इसको आपको कहां से परचेज करना है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अनबॉक्सिंग देखेंगे, उसके बाद इसको मैं इंस्टॉल करना आपको सिखाऊंगा। तो ये था दोस्तों इसका कनेक्शन वाला पाइप। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है दोस्तों ये हेल्थ फ्यूसेट, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी मुलायम है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइट है और दबाने में प्रॉब्लम करे। इसमें प्रेशर दोस्तों काफ़ी अच्छा आएगा, अभी मैं आपको एक इंस्टॉल करके दिखा दूँगा। उसके बाद इसको हैंगिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे ये ब्रेकेट दिया गया है, ब्रेकेट दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हैंग हो जाएगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे इसको हैंग करना है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पे ये इसका वारंटी कार्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 ईयर्स की वारंटी। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लम्बर के लिए बोनस पॉइंट मिल जाता है, बोनस रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा है, प्लम्बर वाउचर रिवार्ड 10 पॉइंट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा है 10 पॉइंट। तो दोस्तों 10 पॉइंट का मतलब 10 रुपये होता है और ये जो है जब आपके पास 1000 पॉइंट जब आप इकट्ठा कर लेंगे तब ये रिडीम हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक साइड पे ग्रेविटी का पूरा फिटिंग आप करवाते हैं, कितना भी छोटा साइड होगा, तो आपके पास लगभग 1000 पॉइंट बहुत ही आसानी से इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों इधर हो गया ये बॉक्स जो था ये हेल्थ फ्यूसेट वाला है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये 2-way एंगल कॉक है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ फटाफट। उसके बाद इसको इंस्टॉल करके इसका प्रेशर वगैरह सब कुछ अब मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। अब देखिए ये 2-way एंगल कॉक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। देखिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 आउटलेट्स है, एक इनलेट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद 2 आउटलेट्स है। देखिए एक आउटलेट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ऑन ऑफ करने के लिए देखिए एक तरफ इस तरह से साइड हैंडल दिया हुआ है, इस तरह से ऑन ऑफ करेंगे और दूसरी तरफ ये वाला है। अब इसमें भी दोस्तों पॉइंट आपको मिलेगा। ये देखिए कंपनी यहाँ पे प्लम्बर्स को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को ध्यान में रखा है इन लोगों ने, क्वालिटी के बारे में भी कहीं भी कोई भी कमी इसमें नहीं है, काफ़ी अच्छा सामान बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे प्लम्बर वाउचर रिवार्ड 10 पॉइंट दिया गया है, यानी कि 10 रुपये, ठीक है। तो इसको आप लोग दोस्तों यूज करिए और काफ़ी अच्छा है ये। अभी प्रेशर मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए अब मैं इसको इंस्टॉल करना आपको सिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्तों, तो इसको सबसे पहले खोलना है इंस्टॉल करने के लिए।
अभी देखिए यहाँ पे पानी निकल रहा है क्योंकि सप्लाई ऑन था। अभी मैं ऊपर से इसका जो मेन बाल वाल्व होता है उसको मैं क्लोज कर दिया हूँ। ये देखिए पानी पूरा खाली हो गया। अभी यहाँ पे दोस्तों प्रेशर हम देखेंगे इंस्टॉल करके। इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर जो भी कुछ भी कचरा वगैरह होता है सबको अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लेना है प्रॉपर। अब देखिए दोस्तों ये है मेरा टू वे एंगल कॉक। और एक चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, जो इसका ये थ्रेड है ये देखिए 2 इंच दिया है, ठीक है। और भी जो आप लोकल ब्रांड लेते हैं या फिर और भी अदर जो कंपनियाँ हैं दोस्तों उसमें इतना लंबा नहीं दिया होता है, उसमें दोस्तों किसी किसी में 1 इंच होता है और किसी किसी में दोस्तों 1.5 इंच होता है। क्वालिटी में देखिए विशेष ध्यान रखा गया है ताकि जो है ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से समझिए, ये सीपी फ्लांज जब यहाँ से लगेगा, ये देखिए सीपी फ्लांज को मैं यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए कितना यहाँ पे कनेक्शन पाइप को टाइट करने के लिए अभी भी देखिए यहाँ सीपी फ्लांज है दोस्तों, ये 2 इंच का स्पेस बच रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंस्टॉल करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे इस तरह से सीपी फ्लांज को लगाएंगे और इसको पहले ही ऐसे ही इसको चेक करना है क्योंकि ये जो सीपी फ्लांज है बिल्कुल टाइल से टच होना चाहिए। तो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे ये इतना बाहर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए इतना बाहर आ रहा है। तो इसका बेनिफिट यही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाना पड़ेगा। कंपनी जो है दोस्तों काफ़ी ध्यान में रख के इस तरह के प्रोडक्ट को बनाई है। अभी यहाँ पे दोस्तों एक्सटेंशन का पैसा आपका पूरा बच गया, ठीक है, ये लंबा होने की वजह से, नहीं तो यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना पड़ता। लेकिन अभी पॉइंट ही दोस्तों ये बाहर है तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट का मैं लगाता तो एक्सटेंशन नहीं लगाना पड़ता, अभी इसको कट करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ इसका प्रेशर, बाद में इसको मैं कट करके लगा दूँगा। ये देखिए इस तरह से टेप्लॉन लगाएंगे, कम से कम 30 राउंड, मैक्सिमम यहाँ पे 35 राउंड का टेप्लॉन आपको लगाना है। ये देखिए लगा लिया इस तरह से टेप्लॉन। अब इसको यहाँ पे इस तरह से टाइट करेंगे, ये देखिए। ये देखिए अभी इसको मैं टाइट कर दिया हूँ। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, चाहे इसको इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये बिल्कुल इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे मैं हेल्थ फ्यूसेट को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हेल्थ फ्यूसेट है, यहाँ पे देखिए ये पैकिंग किया गया है ताकि जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कचरा ना जाए। ये देखिए क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे देखिए वाशर दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वाशर दिया गया है, ठीक है, ताकि जो है लीकेज ना करे, ये भी वाशर आप देख लीजिए। अब इसको यहाँ पे इस तरह से लगाना है, ये देखिए। लगा दिया मैं, ग्रेविटी का लोगो है दोस्तों, हर जगह ग्रेविटी का लोगो मिलेगा। देखिए ये जो टाइट करने वाला ये बोल्ट है, यहाँ भी ग्रेविटी का लोगो है, इधर भी ग्रेविटी का लोगो है, इधर भी ग्रेविटी कंपनी का लोगो है। अब जो हेल्थ फ्यूसेट है यानी कि हैंडजेट, इसको कई लोग हैंडजेट स्प्रे बोलते हैं लेकिन है, सही नाम दोस्तों इसका हेल्थ फ्यूसेट ही होता है। अब यहाँ पे इसको मैं हेल्थ फ्यूसेट को इस तरह से लगा दिया, ये देखिए लग गया। अब दोस्तों इसको हैंगिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ब्रेकेट है, ब्रेकेट को अपने हिसाब से क्लाइंट जहाँ भी बोलते हैं आप इस तरह से यहाँ पे इसको हैंग कर देंगे। ये ब्रेकेट को फिक्स करने के लिए दोस्तों कंपनी 2 स्क्रू और 2 वाल प्लग देती है ताकि जो है आसानी से यहाँ पे फिट कर सकें। अब इसको यहाँ पे इस तरह फिक्स करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसको रख देंगे। ये देखिए अभी उल्टा लगा रहा हूँ मैं, तो ये इस तरह से लगेगा, सॉरी दोस्तों, देखिए इस तरह से लगेगा। क्लाइंट जहाँ भी बोलते हैं वहाँ पर आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये इंस्टॉल हो गया है, अब चलिए मैं आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ, प्रेशर इसका कैसा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मैं सप्लाई को ऑन कर दिया हूँ। इसमें दोस्तों सप्लाई में बहुत पहले ही पानी को ऑन करके सब कुछ साफ कर दिया था, इसके पाइप के अंदर जो भी कचरा वगैरह था। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का टैप आप इंस्टॉल कर रहे हो चाहे किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, तो सबसे पहले पानी को सप्लाई को ऑन करके यहाँ पर पानी को गिरा देना है ताकि जो है जो भी कचरा हो सब निकल जाए। अभी यहाँ पर इसको मैं साफ़ कर दिया था, ये हेल्थ फ्यूसेट है। सबसे पहले इसका प्रेशर देखेंगे हम लोग, ये देखिए, देखिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रेशर है इसका,
प्रेशर दोस्तों डिक्रीज नहीं हुआ मेरा, और जितना प्रेशर आ रहा था उतना पानी यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, यानी कि प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर रहा है ये, तो काफ़ी अच्छा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए यही चीज़ दोस्तों, अगर आप लोकल ब्रांड का यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ग्रेविटी वाले टू एंगल कॉक में देखिए प्रेशर को ये डिक्रीज नहीं किया है, प्रेशर काफ़ी बढ़िया आ रहा है, जितना प्रेशर वहाँ से आया है उतना ही आउटपुट कर दिया। अब दोस्तों इसको बंद करता हूँ मैं, उसके बाद हेल्थ फ्यूसेट का प्रेशर देखेंगे। ये देखिए इसको बंद कर दिया, देखिए क्विक बंद हुआ है, सबसे अच्छी खास बात इसकी ये देखिए क्विक बंद हो गया, ऐसा नहीं कि इसको तीन चार बार बूंद बूंद करके टपके, तो अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया है ये। अब दोस्तों हेल्थ फ्यूसेट को चेक करेंगे, इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए दिया है, देखिए खोल दिया, खुल गया ये, उसके बाद अब यहाँ से इस तरह से दबाएंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है, प्रेशर दोस्तों डिक्रीज नहीं हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, ये देखिए ये हेल्थ फ्यूसेट है ग्रेविटी का, आप प्रेशर देख सकते हैं, देखिए कहाँ तक जा रहा है ये पूरा दोस्तों, ये 8 फीट तक जा रहा है, 8 फीट दूरी कवर कर रहा है, क्योंकि ये बाथरूम की जो लंबाई है दोस्तों वो 8 फीट है। देखिए बहुत अच्छा प्रेशर है यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट का भी, ये देखिए। तो दोस्तों दोनों का प्रेशर बहुत बढ़िया है, अब दोस्तों देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए इंडियन सादा सीट है, ठीक है, किसी को अगर टब में पानी भर के फ्रेश होना हो तो यहाँ पे टब में इस तरह से पानी भरेंगे, उसके बाद अगर किसी को दोस्तों हेल्थ फ्यूसेट से फ्रेश होना हो इससे, तो इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से फ्रेश हो सकते हैं। तो दोस्तों ये टू एंगल कॉक इंस्टॉलेशन, उसके बाद ये हेल्थ फ्यूसेट इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ, प्रेशर भी दोस्तों आपको मैं चेक करके दिखाया, ये देखिए प्रेशर इसका काफ़ी बढ़िया है, देखिए ज़बरदस्त प्रेशर है, प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बाथरूम में आउटर फिटिंग लोकल ब्रांड का आप नहीं यूज करेंगे, लोकल ब्रांड का लगाएंगे तो इस बाथरूम का प्रेशर चाहे कितना भी हाई होगा दोस्तों, प्रेशर को वो डिक्रीज कर देगा। ये जो बाथरूम अभी आप देख रहे हैं इसका जो आउटलेट है दोस्तों मैं 1.25 इंच के पाइप से निकाला हूँ, टैंक हाइट जो है दोस्तों वो तकरीबन 13 या 14 फीट की हाइट पर है, फिर भी यहाँ पर इतना प्रेशर ये दे रहा है। दोस्तों बाथरूम का पाइप फिटिंग चाहे कितना भी मोटा पाइप से आप कर दीजिए, अगर लोकल फिटिंग लगा देंगे या आउटर फिटिंग, तो प्रेशर को डिक्रीज कर जाएगा। दोस्तों आप किसी भी ब्रांड का लगाइए, बस मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ओरिजिनल लगाइए, लोकल आप नहीं यूज करेंगे वरना क्लाइंट जो है दोस्तों आपको बार बार कंप्लेन करेंगे। चलिए दोस्तों इसका प्राइस मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो एंगल कॉक लगा हुआ है नीचे उसका जो प्राइस है वो है 1490 रुपये, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उस पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके बाद जो ये हेल्थ फ्यूसेट आप देख रहे हैं इसका जो प्राइस है बॉक्स के ऊपर 1120 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ग्रेविटी कंपनी का जो सामान है दोस्तों काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ जहाँ पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो में मुझे आपको ये टू वे एंगल कॉक के बारे में और हेल्थ फ्यूसेट के बारे में अवेयर करना था। क्लाइंट अगर आपको कहते हैं कि मुझे एक ही टैप में 2 जगह वाटर सप्लाई चाहिए, तो आप ये टू वे एंगल कॉक को भी यूज कर सकते हैं या फिर टू वे बिप कॉक को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।